रहे हैं। देखिए, आपने आदेशों को लेकर के शिक्षा विभाग चर्चे में रहने वाला एक बार फिर से चर्चे में आ गया है। देखिए, के पाठक का जो बयान है, मिड डे मील के अंतर्गत जो गनी बैग है उसको शिक्षकों के द्वारा बेच के 20 रुपये जो भी आएंगे उसको लेकर के हम आ गए हैं गर्दनी बाग। जो प्राइमरी स्कूल है वो आप देख पा रहे होंगे, बालक मध्य विद्यालय अमलटोला में गर्दनी बाग, यहाँ हम आ गए हैं। कुछ शिक्षकों से जानेंगे कि उनकी क्या राय है, जो आदेश आया है के पाठक के द्वारा उनके आदेश से, उनके बात से कितने हद तक सहमत हैं बोर्ड भेजने के बाद से। तो चलिए उनका राय जानते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, नए आदेशों के साथ के पाठक फिर से एक बार चर्चा में है। जिस तरह से वो कह रहे हैं शिक्षकों को बोरा बेचने के लिए, तो अभी हमारे साथ इस स्कूल के शिक्षक भी हैं, इस आंगनबाड़ी के। सर, आप दिखाएं पहले, सबसे पहले तो बोरे कहाँ हैं और किस हालत में है ये भी दिखाएं और बताएं भी हमें। ये बोरा, कुछ बोरा ठीक है लेकिन चूहा लगा हुआ, चूहा बोरा को बर्बाद करता है। और कुछ बोरे मतलब कि ठीक हैं, उस बोरे को हम लोग प्रयास करेंगे कि बेचे, यदि कोई ख़रीदने के लिए आए तो उस बोरा को बेचेंगे। सबसे अच्छा होता है कि विभाग का आदेश से तो हम लोग को सर्व मानना है और हम लोग मानते भी हैं। अब बोरा को मान लीजिए कि ये कलेक्ट करा लिया जाता है, जो चावल देने वाले आते हैं वो चावल का बोरा जो खाली होता है उस बोरे को ले करके जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा। शिक्षक बोरा बेचने के लिए बाहर किन के पास जाएंगे, और स्थिति वैसी है नहीं। कुछ बोरे मतलब फटे हुए कटे हुए हैं और जो कुछ बोरे अच्छे हैं उनको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बोरे को बेचें और बेच करके जो विभाग का आदेश है उसको हम पालन करें। तो ये जो आदेश आया है ऊपर से के पाठक का, जो बयान है, जो आदेश है, इसको आप किस तरीके से ले रहे हैं? टीचर हैं, शिक्षक हैं, बच्चों को देखना पड़ता है, अब बोरा बेचेंगे? जी, विभाग का आदेश को तो हम लोग मानने के लिए बाध्य हैं और मानते भी हैं, लेकिन ये उचित नहीं है। हम लोगों को से बोरा बेचवाना उचित नहीं है। बोरा हम लोग चाहेंगे कि सर का आदेश है, बोरा जो लेने वाले आएंगे तो बेच करके तो हम लोग जमा कर देंगे, नहीं सबसे बेटर है कि बोरा को ये MDM के जो चावल सप्लायर पहुँचाने वाले हैं वो बोरा ले जा करके खुद बेच दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि उन्होंने तो कहा है शिक्षक को ही ऐसा करने को, तो शिक्षक तो करेंगे ही, क्या करेंगे। आप सरकार का आदेश है, व्यवस्थापूर्ण स्थिति में हम लोग बेच करके ही जमा करेंगे तो वो अच्छा। आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं ना कि आपके हिसाब से कि कोई ऐसा मेंबर हो या NGO से कोई ऐसी टीम हो जो आके बस बोरा कलेक्ट कर ले? जी, वैसे ज़्यादा सुविधा होती है। वैसे मतलब NGO के माध्यम से या जो चावल सप्लाई देते हैं वो बोरा क्लिक करके, वो बोरा का हिसाब करके यदि वो राशि जमा कर देते तो हम लोगों को मतलब की सुविधा होती और अच्छा होता। हम लोग पढ़ाने में व्यस्त हैं, बच्चा को टॉयलेट सफाई कराना है, खाना बनवाना है, इसके बाद में बच्चों को सिलेबस पूरा करना है, इसके बाद में VC मीटिंग में रहना है, बहुत से काम हैं। बहुत से शिक्षक BLO के काम कर रहे हैं, बहुत से शिक्षक ये आपको जनगणना के काम में लगे हुए हैं, पाठ्यक्रम का लिखना है, बहुत से सिलेबस को पूरा नहीं, कुछ सिलेबस को परीक्षा भी लेना है, साप्ताहिक परीक्षा लेना है, वीकली परीक्षा लेना है और इसके बाद में मंथली परीक्षा लेना है, तो उस स्थिति में थोड़ा सा असहज महसूस करेंगे शिक्षक। शिक्षक अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठे हैं, उसके बाद आदेश आ रहा है कि भाई बोरा बेचना, तो ये बोरा बेचने वाला जो वर्ड है इसके ऊपर आप क्या नहीं, बोरा बेचने वाला वर्ड पे तो हम सर का आदेश है, वो हमारे सर्वोपरि है, लेकिन हम सहज नहीं होंगे इस स्थिति में, सहज नहीं होंगे। आदेश तो मानना ही है लेकिन सहज स्थिति नहीं रहेगी। बोरा बेचना शिक्षकों का ये अच्छा नहीं है, नहीं करेंगे लेकिन बस आदेश पूरा करेंगे। आदेश तो देखिए, हम लोग नौकरी कर रहे हैं, सरकार के अभिन्न अंग हैं, उस स्थिति में हम लोगों को जो भी काम दिया जाएगा, शिक्षक सब काम को कर लेता है, लेकिन अब उसके स्थिति को भी आपको देखना है कि शिक्षक किस स्थिति में सहज महसूस कर रहा है काम करना, पढ़ाना। मनोदशा यदि सही रहेगा तो हमें पढ़ाने में भी मन लगेगा, हमें प्रेशर में न रखा जाए, हम बच्चों को पढ़ाएँ, बच्चों को खिलाएँ, बच्चों को खाना खिलाएं, मेनू के अनुसार खाना दें और हर काम करेंगे, लेकिन ये बोरा बेचना अच्छा तो नहीं है, लेकिन मानेंगे क्या करेंगे, मानेंगे क्या अगर सरकार का आदेश है तो मानेंगे, लेकिन असहज महसूस करेंगे हम भी। अच्छा, जिस तरह से आपने बोरे दिखाए हैं कि कुछ चूहा काट दिया है,
कहा गया है कि अव्यवस्थित चित्त वाले मनुष्य की सफलता में हमेशा संदेह रहती है। यदि शिक्षक अव्यवस्थित रहेंगे तो कहीं ना कहीं सफलता में थोड़ा सा संदेह दिखाई देगा। ये हिंदी का एक वाक्य है, ये अव्यवस्थित चित्त वाले मनुष्य की सफलता में संदेह रहती है। तो यदि शिक्षक अव्यवस्थित हो जाए, उनको पढ़ाने का काम था पढ़ाने दिया जाता, ये खाना भी नहीं बनना चाहिए, एनजीओ के माध्यम से खाना मिले। अब सब्जी जुटाना, अंडा जुटाना, फल जुटाना, ये दाल जुटाना, गैस ख़त्म हो गया, गैस पाइप फट गया, चूल्हा टूट गया, थाली ख़त्म हो गई, ये तो इसमें थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं हम लोग। और बाकी तो कर ही रहे हैं, करेंगे सहस्र करेंगे, लेकिन असहज महसूस करते, परेशानी होती है। एक और बात जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया कि कुछ बोरे जो हैं वो फट गए हैं, चूहे ने काट दिए हैं, कुछ नए भी हैं, लेकिन जिस तरह से आदेश है कि 10 से 20 हो गया, 20 रुपए में अब बेचना है, तो आपको लग रहा है कि फटे हुए बोरे बिकेंगे 5 रुपए में? नहीं, फटे हुए बोरा कहाँ से बिकेंगे, फटे हुए बोरा के तो कोई लेने वाला भी नहीं आएगा, फटे हुए बोरा बिकेगा नहीं। और विभाग का कुछ ये फटे हुए बोरा को कलेक्ट करके जो चावल वितरण वाले आते हैं देने वाले, उनसे कलेक्ट करा लिया जाए, आ नहीं तो नहीं बिकेगा, तो जो बिकेगा उसका पैसा जमा किया जा सकता। बेचने के लिए भी बहुत सोचना पड़ता है, बेच लेने वाले आते नहीं हैं, कभी कभी आए तो मतलब लिए नहीं आए, उनकी भी स्थिति है, बहुत से चावल का बोरा उनको मिलता है और बोरा लेने वाले हैं नहीं, और बोरा बाज़ार में तो बेचा नहीं जा सकता। हम शिक्षकों का एक गरिमा है, कोई किसी को हम बुलाएंगे बोरा खरीदने वाले को, तो यदि बोरा लेंगे तो उनको बोरा हम बेच देंगे और पैसा जमा करेंगे। सबसे सुलभ होगा, अच्छा होगा कि ये जो चावल सप्लायर हैं, चावल देते हैं, उनके माध्यम से बोरा कलेक्ट करा लिया जाता। तो हम सर से एक आग्रह भी करेंगे, विभाग से भी आग्रह कर रहे हैं कि शिक्षक को अव्यवस्थित वाणी से या आदेश से नहीं किया जाए, एक मेरी रिक्वेस्ट, और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो एक और शिक्षक है हमारे साथ, इनसे भी राय लेंगे। सर क्या नाम हुआ आप? सत श्रीकांत शर्मा मेरा नाम हुआ। सर क्या पढ़ाते हैं आप? हम शारीरिक शिक्षक हैं। तो सर जो बयान आया है, आदेश एक तरह से बोल सकते हैं के पाठक का, कि शिक्षक जो है बोरा बेचेंगे, तो इस बात को आप कैसे देखेंगे? शिक्षक को तो बोरा बेचना बहुत हद तक उचित नहीं है। जो वेंडर चावल लेकर के आते हैं वो भी बोरा, जितना बोरा देते हैं उतना खाली बोरा लेके चले जाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, और शिक्षक इसे वंचित हो जाएंगे और अपना शिक्षण कार्य में लगे रहेंगे। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, कहना क्या चाहेंगे, मतलब बोरा का अगर निराकरण वेंडर की तरफ से हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और नहीं तो मजबूरन में तो शिक्षक को फिर बेचना ही पड़ेगा। 10 रुपया से फिर 20 रुपया रेट हो गया है, बहुत बोरे चूहे काट देते हैं, तो जो लोग लेना नहीं चाहेगा। तो इस बयान से, इस आदेश से सहमत हैं आप? नहीं, इस आदेश से तो हम सहमत नहीं हैं। सर के पाठक के बयान, जो उनका आदेश है बोरा बेचने वाला, उससे कितने हद तक सहमत है? बोरा बहुत विवादित चीज़ हो जा रहा है। बोरा आता है चावल में, तो चावल के साथ सब तो कुछ डैमेज होते हैं, बाद में चूहा भी काट देते हैं, चूहा काटने से डैमेज हो जाता है। फिर बोरा हम लोग के यहाँ रखने पर कुछ, अगर मान लीजिए हम लोग बेच भी रहे हैं तो उस वक्त तो बहुत डैमेज हो जाता है। इसलिए देखिए इसमें क्या कहते हैं वरीय पदाधिकारी, फिर हम लोग देखेंगे, जैसा आदेश होगा वैसा करेंगे। जैसे कि आप कह रहे हैं कि चूहे भी काट देते हैं रखे रखे, तो लगता है कि 10 से तो 20 हो गया, लेकिन जो चूहा जो बोरा काट देते हैं वो 5 रुपये में भी बिकेगा? नहीं नहीं, 5 रुपये में भी नहीं बिकता है। चूहा जो काट देता है उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता, कोई वैल्यू नहीं रह जाता, नहीं लेगा, उसको हम लोग फेंकना पड़ेगा। तो फिर जब आप बोरा बेचिएगा ही नहीं, उसका जो पैसा है वो दीजिएगा ही नहीं, फिर देखते हैं। हम लोग सरकारी आदेश है, तो हम लोग चूँकि सरकारी सेवक हैं, तो सरकारी सेवक का तो वही है कि जो सरकारी आदेश उसको पालन करना है। इसी में फिर हम लोग वरीय पदाधिकारी से कोशिश करेंगे, उनको बतलाएंगे कि इसमें कुछ संशोधन हो सकता है तो करें, फिर उसी हिसाब से करेंगे हम लोग। कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें? हम कहेंगे कि वरीय पदाधिकारी इस पर विचार करें, हाँ विचार करें, अच्छा कोई अच्छा डिसीजन निकले। तो इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों के ऊपर, आप किस विषय के शिक्षक के लिए? विज्ञान के शिक्षक। तो आपके ऊपर तो और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इतने सारे बच्चे हैं सबको देखना, और जैसे कि वो मिड डे मील है उसको भी लेकर के चलना है, सब कुछ देखने से रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद बोरा बेचने वाले जो कहीं ना कहीं बात आती है, इस पर आप मतलब
क्या मतलब ये बस एक वर्ड जो बोरा बेचने का है, इस पे आप क्या रिएक्ट कर रहे हैं? बोरा बेचने को हम लोग को दूसरे अर्थ में लेना है। हम लोग काम कर रहे हैं, विद्यालय का ये भी एक काम है, इसको भी करेंगे हम लोग, करना तो है ही, सरकारी आदेश से करना है, करेंगे इसको, लेकिन थोड़ा सा तरीका बदल जाता ना, जैसे कोई आते और लेके चले जाते तो बहुत अच्छा हो जाता। तो फिर आप लोग कैसे बेचते, फिर तो वो पूरा तरीका ही बदल जाता ना? हाँ, तरीका बदल जाता। अब जैसे जो वेंडर आते हैं हमें चावल देते हैं, वही लेके चले जाते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता, हम लोगों को कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता। वो आते हैं जैसे चावल गिराते, गिनती करके बोरा लेते चले जाते हैं। हाँ, गिन के हम लोग देते ही हैं, बाकी इसी तरह चलता रहेगा। आपका बस ये कहना है कि जो चावल लेकर के वेंडर्स आते हैं तो जितना पहले देते थे उतना काउंटिंग में वापस जाते वक्त बोरा वही लेके चले जाएं, आप लोगों के ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी हट जाएगी। कुछ डैमेज बोरा है तो डैमेज बोरा भी उनको पता चल ही जाएगा कि ये बोरा पूरे हिस्से का ही है। जैसे मान लीजिए 5 बोरा हम लिए, 2 बोरा चूहा काट दिया, तो 3 बोरा सही रहेगा, 2 बोरा कटा हुआ रहेगा, वो लेके चले जाएंगे, हम लोगों को कोई दिक्कत दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। कितने हद तक सहमत हैं के पाठक के बयान पे जो शिक्षा को कहा जा रहा है बोरा बेचने के लिए? शिक्षक को शिक्षा कार्य में लगाया जाए, बोरा बेचना कहाँ हद तक सही है, किस हद तक सही है बोरा बेचना? शिक्षक कार्य कराएंगे कि बोरा बेचेंगे? आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को देखना, उन्हें पढ़ाना, इसको जो छोड़ के कहा जा रहा है बोरा बेचना, क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? पहले ये बात बताइए कैसा लग रहा है सुन के, आप किस विषय के शिक्षक हैं? हम 1-5 प्राइमरी के टीचर हैं। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? सारा पढ़ाती है ना, तो बताइए ये वर्ड है, जो शब्द है बोरा बेचना, ये सुन के पहले कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? शिक्षा कार्य से गैर शैक्षणिक कार्य है बोरा बेचना, तो मतलब इस आदेश का पालन करना है? हाँ, आदेश निकला है, पालन तो हो ही रहा है, जो भी आदेश निकल रहा है उसका पालन तो करना ही है। आप बताइए आपको कितने हद तक सही लग रहा है? शिक्षक को शैक्षणिक कार्य में ही लगाना सही है, गैर शैक्षणिक कार्य में लगाना तो सही नहीं है। आपसे पूछा जाए कि इसके अलावा कोई विकल्प दीजिए तो क्या विकल्प देंगे? और इसका विकल्प यही है कि जहाँ से सामान आता है वही लोग आकर के फिर से ले जाएं, वही लोग काउंटिंग करके वापस से बोरा वही लोग आकर फिर ले जाएं, जो लोग सामान लेकर के आते हैं है? तो जो बयान आया है के पाठक का, पता होगा बोरा बेचने को लेकर के, तो मतलब कितने हद तक सहमत? इससे तो कोई भी सहमत नहीं हो सकता है कि बोरा बेचा जाए, टीचर को तो पढ़ाने ही के लिए काम करना चाहिए, और हम लोग क्या बोल सकते हैं? सहूलियत वाला काम, देखिए वही तो बोले कि टीचर को सिर्फ पढ़ाना चाहिए, बोरा तो नहीं बेचना चाहिए। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे, कुछ अनुरोध? सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि टीचर को सिर्फ पढ़ाने के लिए रखा जाए और बाकी काम दूसरे से करवाया जाए। दूसरा कौन मतलब, कोई विकल्प? अब विकल्प तो सरकार को खुद ढूंढना पड़ेगा ना। आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? नो आइडिया। चलिए ठीक है, तो देखिए प्राइमरी स्कूल में आके हमने शिक्षकों से राय जानना है कि वो लोग कितने हद तक सहमत हैं गनी बैग को बेच के, जो पैसे जो वो लोग उन लोगों को कहा गया है, जो आदेश मिला है 20 रुपये का, कितने हद तक सहमत है सबने बता दिया, और सबका कहीं ना कहीं कहना यही है कि वो लोग सहमत नहीं है, विकल्प जो है सरकार को दूसरा विकल्प ढूंढना चाहिए शिक्षा विभाग को। और दूसरी चीज़ ये भी वो कह रहे हैं कि जो बोरा आ रहा है वो सारा सही नहीं है, कुछ को चूहे भी जो है वो काट देते हैं, तो जो चूहा कटने के बाद बोरा क्या ही बिकेगा, कौन लोग खरीदेंगे, और दूसरा विकल्प जो है वो सरकार को ढूंढना चाहिए। आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इसी के साथ बने रहिए IBTV पे, मैं हूँ मौसम झा, कैमरामैन सोनू के साथ, धन्यवाद। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम, हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज, पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।